अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपसे चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल जल्दी और आसान तैयार होने वाली है। नाज़रीन, मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को रेसिपी ये बताऊँगी जो कि बिल्कुल आसानी से घरों में तैयार हो जाए, आपकी सोच बदल जाएगी। तो नाज़रीन, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और लाल रंग का बटन जो प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे नाज़रीन, आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हम आधा किलो चिकन लेंगे और इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। ये देखें, इसी तरह हम सब पीसीस पर कट लगा लेंगे। क्यों, ये देखें, मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लिए हैं। तो नाज़रीन, हमारा ये चिकन है कुछ कुछ हड्डियों वाला है। तो नाज़रीन, हमने सबसे पहले एक बाउल लिया है और इसमें हम दही ऐड करेंगे। एक पाव दही है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एक पाव दही लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून चिली डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हम डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, 1 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून हम गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम नमक इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी इसमें डालेंगे। तो नाज़रीन, हम टिक्का बोटी का मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। ये मसाला ऐड करते हैं। वन टीस्पून हम इसमें ये टिक्का बोटी का मसाला ऐड करेंगे। फिर हम ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम अजवाइन इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने साफ़ करके रखी हुई है। एक चुटकी हम इसमें फूड कलर डालेंगे। हाफ हमें इसमें लीमू ऐड करेंगे, लीमू का रस ऐड करेंगे। नाज़रीन, ये सारे मसाले हमने इसलिए डाले हैं ताकि हमारी ये टिक्का बोटी का चिकन अच्छी तरह बन सके और ये बहुत ही लजीज बनने वाला है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। 3 हम इसमें लौंग डालते हैं, ज़्यादा हमने नहीं डालने क्योंकि हमने 3 हम काली मिर्च डालेंगे, 3 से 4। और इसमें हम ये बिल्कुल छोटी सी दालचीनी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसे हम मिक्स अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि हमारा बहुत ही मज़ेदार टिक्का बोटी तैयार होने वाला है। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा ये मसाला जो हमने बनाया हुआ है वो अच्छी तरह। तो देखें ना, था इसमें दही है, जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं वो इसमें अब मिक्स हो जाएं और इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। अब इसको मैं साफ़ बर्तन में निकाल लूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। नाज़रीन, हम टिक्का बोटी को मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हम को फ्राई करने के लिए आपको फ्राई करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह मैं इसको फ्राई करती हूँ। और वीडियो के साथ बने रहिएगा तो टिक्का बोटी हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। हमने ये अपने चिकन टिक्का को मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख लिया था। अब ये हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है और बोटियों में अच्छे तरीके से अच्छी तरह से ये मसाला जज़ब हो चुका है। तो नाज़रीन, इस तरह से इसमें जायका भी अच्छा आएगा और जल्दी गल भी जाएगा और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो नाज़रीन, ये हमने 2 लोहे की सीखें बनवाई हैं, ये मेरे हस्बैंड बनवा के लाए थे और ये हम बोटियाँ हमारी अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इसको हम इसमें डालेंगे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान है जिसने हमारे लिए तरह के खाने हमारे लिए बनाए हैं। तो नाज़रीन, हम जिस तरह भी चाहें अपने अपनी तरह तरह से बनाए हैं, इसी तरह मैं सारा ये अपना ये चिकन इनमें सीखों में डाल लूँगी।
तो देखें नाज़रीन, ये इसको मैंने सीखों में डाल लिया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये मैंने तवा रख, तो नाज़रीन ये हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच इसमें घी डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा घी पकने लग गया है। अब हम इसे माशाल्लाह से इसके ऊपर रखेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें माशाल्लाह से इस, अब हम चिकन के हल्का हल्का सा घी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। माशाल्लाह की शान है जिसने हमारा, माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान है जिसने हमारे लिए मज़े मज़ेदार खाने हमारे लिए बनाए हैं, जिसे हम अपने तरीके से। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हमारी चिकन, हमारा हर चिकन की बोटी है ताकि हमारी हर तरफ से आस्ता आस्ता से गल सके। तो नाज़रीन ये हमारा चिकन टिक्का माशाल्लाह से खुशबू उसमें से आने लग गई है। तो नाज़रीन ये कई तरीक़ों से फ्राई हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल कलर हमारा ये चेंज हो चुका है और बोटियाँ बिल्कुल अंदर से गल चुकी हैं। माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। और कोई भी मेहमान आ जाए, आप जल्दी से इसी तरह घर में तैयार करके मेहमान अपने को खिला सकते हैं। अब इसे हमने चेंज कर लिया है। अब देखें हमारा दोनों साइड से ये बिल्कुल चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। अब हम फाइनल लुक की तरफ आते हैं। इसे मैं बार बार टर्न करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए अंदर तक, हमारा ये चिकन टिक्का तैयार हो सके। तो नाज़रीन ये हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब इसे मैं उतारती हूँ और अब चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। तो नाज़रीन अब इसे हम उतार के देखते हैं। अब माशाल्लाह से हमारी ये चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये है नाज़रीन हमारी चिकन टिक्का की फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आप ख़ुद भी बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जल्दी और आसान बिल्कुल तैयार होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इसी तरह आप घर में पकाते रहें और बच्चों को खिलाएँ। आज की फ़ाइनल लुक उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी चिकन टिक्का की। आप घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं और मेहमान आए उसको भी बना के दें तो यकीनन आपके मेहमान खा के बहुत खुश होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिशन की है, सब्ज़ मिर्च लगाई है, बड़ी मेहनत से हमने ये काम किया है। उम्मीद है आप लोग हमारे काम को ज़रूर पसंद करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और लाल रंग का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।